गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 4 हिंदी रीडर पार्ट नंबर 3। आज हम पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे, आप ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या है, पाठ का नाम है मैं खूब पढ़ूंगा। रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलता वह उसे कभी पूरा नहीं करता था। उसकी माँ भी उससे परेशान थी क्योंकि वह हर बात के लिए कहा करता था कल कर लूँगा। विद्यालय से आने के बाद खाना खाकर या तो टेलीविज़न के सामने बैठकर कार्टून फिल्में देखने लगता या फिर कंप्यूटर खोलकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता, शाम को खेलने निकल जाता। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। अब 10 दिनों के बाद सत्र की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। परीक्षा में इतने थोड़े दिन बाकी देख रामू को घबराहट हुई। अब वह परेशान हो गया, उसका पहले सत्र का परिणाम भी अच्छा नहीं हो रहा था। शाम का नाश्ता करते समय वह सोच रहा था कि अब उसे परिश्रम करना चाहिए। रामू की माँ भी पिछले कुछ दिनों से लगातार पढ़ने के लिए कहती आ रही थी, लेकिन रामू हर बार माँ की बात को अनसुना कर देता था। अब 10 दिनों में वे कैसे परीक्षा की तैयारी कर पाएगा, ये चिंता उसे सता रही थी। समय पर परीक्षाएं शुरू हुई। रामू परेशान था पर उसे परीक्षा तो देनी थी। इस प्रकार उसने परीक्षा दी। उसके बाद परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ पहुंचा। जिसका डर था वही हुआ। रामू सभी विषयों में फेल था। कक्षा में बैठा हुआ अपनी लापरवाही पर पछता रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। तभी उसका मित्र पीयूष वहाँ आया और बोला, क्या यहीं बैठे रहोगे, घर नहीं जाना? देखो मित्र, इस तरह परीक्षा परिणाम लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर चलो और माँ को सच सच बता दो। रामू भारी मन से उसके साथ घर की ओर चल दिया। माँ ने उसे लटका हुआ चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि परीक्षाफल क्या रहा होगा। रामू सिर झुकाए उसके सामने बैठा रहा। माँ को दुखी देख रामू भी विचलित हो गया। तभी सब्जी वाली की आवाज़ आई, सब्जी ले लो सब्जी। हमने यहाँ तक रीड किया, अब हम इसमें कठिन शब्द छांटते हैं। इधर देखो, पहला है विद्यालय, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कठिन शब्द को। गृह कार्य, ये आज आप अपनी कक्षा कार्य में लिखोगे। उसके बाद है टेलीविज़न, कार्टून, कंप्यूटर, व्यस्त, दिसंबर, परीक्षाएं, घबराहट, परिणाम, अनसुना, विषय, लापरवाही, विचलित। ये आपके कठिन शब्द हैं, इनको आप लिखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, ये भी आपको करने हैं। देखो, पहला परिणाम यानी नतीजा या फल, अव्वल, प्रथम। गृह कार्य, घर के लिए मिला काम। परिश्रम, मेहनत, गर्व, अभिमान। बर्फीली हवा, सर्द या ठंडी हवा। विचलित, दुखी, ग्लानि, दुख या पछतावा। ये शब्दार्थ हैं आज के।